Moving on to the big controversy that is currently brewing over the exchange that is happening between Sanjay Raut, Shiv Sena leader, and Kangana Ranaut. Now, in the latest in this saga, what we have is that after Sena MP Sanjay Raut asked Kangana to apologize for her comments on Mumbai, Kangana Ranaut has responded saying that she has the full freedom of expression and she can go anywhere in the country. Remember, Shiv Sena leader Raut had demanded that the actor should apologize for comparing Mumbai with Pakistan-occupied Kashmir. Raut said that he will think about apologizing to Kangana only if she said sorry first. Now, this after the actor had repeatedly slammed both the Maharashtra government and the Mumbai police over their handling of the Sushant Singh Rajput death probe. Meanwhile, Kangana's father has demanded that the central government provide security to his daughter, as Sena's comments were worrisome. इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उसकी उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो।